हे दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट की रिव्यू शेयर करने वाली हूं जो कि मैंने मंगाया है अमेज़न से। एंड दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है ये बेल्ट स्किल का है। आप इसकी आउटर पैकेजिंग देख सकते हो, उस तरीके से मुझे हुआ है रिसीव। काफी अच्छा प्रोडक्ट है, काफी यूजफुल है। अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, आपके पास उसका जो गिफ्ट पैक करने के लिए जो डब्बा होता है वो डब्बा आपके पास नहीं है, या फिर आपको कहीं कुछ पार्सल करना है, या आप कहीं शिफ्टिंग कर रहे हो, छोटी छोटी जो चीजें होती है कांच की, या फिर कोई भी चीज आपको रखना है सेफ्टी के साथ, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। ये आप देख सकते हो, बैक कैमरे से मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं दिखा दूं, इसमें मुझे टोटल 10 सेट मिले हैं। इस तरीके से कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास कुछ चीजें रहती है और किसी को गिफ्ट देना, या फिर हम ऐसी चीज लेके आते हैं जिसके साथ उसका जो बॉक्स होता है ना वो बॉक्स नहीं मिल पाता है। तो ये जो सीट है ना बहुत ही ज्यादा कम रेट में, रिजनेबल रेट पे है। एंड आप इसको फोल्ड करके इस तरीके से बॉक्स बना सकते हो। बहुत ही ज्यादा यूजफुल है हमारी लाइफ में। जैसे कि आप कई बार, आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनका बर्थडे पार्टी रहता है, गिफ्ट आपको देना होता है, आपके पास पैक करने के लिए बॉक्स नहीं होता है, तो ये तो बॉक्स बहुत ही ज्यादा है। आप छोटी छोटी, या फिर किसी को कैंडीज, आपको आपके बच्चे किसी को कैंडीज देना चाहते हैं, अगर आप ही अपनी फ्रेंड को कुछ गिफ्ट देना चाहती हैं, तो बहुत सारे मेकअप के आइटम्स हो जाते हैं, नेल पेंट ले लो, हेयर बैंड ले लो, बैंगल्स ले लो, तो आपकी बॉक्स में अपनी फ्रेंड के सारे फेवरेट आइटम्स रख दो, पैक कर दो एंड उनको गिफ्ट कर सकते हो। या फिर आपको कुछ अपने घर में कुछ ऐसी चीजें, हमारे किचन आइटम्स होते हैं कांच के होते हैं जो फूटने टूटने के बहुत डर रहते हैं, तो फिर वो हम निकल जाता है, उसके बाद हम सोचते हैं कि हम उसको कहाँ रखें। तो इस तरीके से ना आप इसमें रख के और फिर आप सेफ्टी के साथ आप कहीं स्टोर कर सकते हो, तो आपका ना डर नहीं रहेगा टूटने फूटने का। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ सीट हुआ है मुझे रिसीव। इसमें टोटल 10 है और इसको ना, इसका बॉक्स बनाना बहुत ही इजी है। जहाँ पे ये हमें पहले से जगह फिक्स मिलता है, बस उसके अकॉर्डिंग हमें फोल्ड कर देना है इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद जो फिर टेप होता है ना उसको, उससे हम इसको फिक्स कर देंगे। आराम से ये बॉक्स बन जाएगा, कुछ सेकेंड में ही बॉक्स बन के तैयार हो जाएगा और आप इसमें आप अपने काम की चीज़ें रख सकते हो। ये मल्टीपर्पज यूज वाला बॉक्सेज है एंड साथ ही साथ ये होम शिफ्टिंग में भी यूज हो सकता है, साथ ही साथ ई कॉमर्स पैकिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से बनाएंगे, ऊपर से हम अपनी इसके अंदर सामान रख के ऊपर से हम इसको फिक्स कर देंगे टेप की हेल्प से। ये बॉक्स बनके रेडी हो जाएगा। एंड ये दूसरा वाला है, इसका साइज थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब दोनों का साइज अलग अलग है, बट ये थोड़ा सा बड़ा साइज है। एंड साथ ही साथ ना ये इको फ्रेंडली है, रिसाइकल पेपर इसमें यूज किया गया है, तो ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा वाला जो है, इस तरीके से इसका बॉक्स बनाना है। एंड बॉक्स बनाने के बाद जैसा कि पहले मैंने बताया वैसे ही इसको फिक्स करना है एंड बस ये बनके तैयार हो जाएगा। बहुत ही इजी है, कुछ मिनट में ये बनके तैयार हो जाएगा। आप अपने यूज़ के, मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए, कोई भी चीज़ रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, कहीं कुछ भेजने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो आप लोग को कैसा लगा, अगर आप लोग को लेना हो, अगर इंटरेस्टेड हो, तो सारा डिटेल मैं दे दूँगी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।